राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस पाठशाला में इंदौर से भी कुछ नेताओं ने वर्चुअली हिस्सा लिया है। पाठशाला में संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन के साथ ही भविष्य के लिए खास प्लान तैयार किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इंदौर से पाठशाला में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय और बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे सहित 29 नेताओं ने हिस्सा लिया, जहां बीजेपी कार्यालय से वर्चुअली इस पाठशाला में जुड़े नेताओं ने संगठन और सत्ता के साथ ही देश और प्रदेश के सियासी हालातों पर शीर्ष नेताओं के साथ मंथन किया। इसमें संगठन का जो मार्गदर्शन मिलता है उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने का काम हम सभी कार्यकर्ता करते हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, जो भी संगठन की हमारी व्यूह रचना है वो कार्यकर्ताओं के समक्ष आती है। जी, कैसे करना है, बूथ तक कैसे ले जाना है, सभी हितग्राही योजनाओं को, कार्यों को, जो भी पार्टी का आदेश हो। बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे की माने तो जिला और शहर की कार्यकारिणी को मिलाकर 29 नेता वर्चुअली इस बैठक से जुड़ेंगे, जहां इस बैठक में विभिन्न प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। हमारे सम्मानित ताई जी हमारी स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, प्रदेश कार्य समिति की सम्मानित सांसद जी, दोनों मंत्री, सभी जनप्रतिनिधि, प्रदेश के पदाधिकारी, अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी सूरज केरो जी और सारे ही अपेक्षित श्रेणी के जितने प्रदेश कार्य समिति के कार्यकर्ता हैं, लगभग जिला और इंदौर मिला के 28 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं। आज सभी हम लोग 29 कार्यकर्ता हम लोग सभी आज प्रदेश कार्य समिति में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शन से हमें एक दिशा मिलेगी और निश्चित तौर पर हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। देखिए, प्रदेश कार्य समिति हमारे सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। विभिन्न प्रस्ताव पारित होंगे और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी, सह संगठन महामंत्री जी, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, सभी हमारा वरिष्ठ मार्गदर्शन, हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसमें रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को निश्चित तौर पर इससे ऊर्जा मिलने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर से भी बड़ी संख्या में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वर्चुअली इस पाठशाला का हिस्सा बने हैं, जहां आने वाले समय में संगठन के प्रदर्शन को लेकर कई खास चर्चाएं इस बैठक में होने की संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।